पैनल जो है आपको इंजन स्टार्ट करने के लिए ये पैनल है, वहाँ जाओगे बैटरी ऑन करोगे, बैटरी ऑन कर दीजिए सर, ये करिए। अरे ये देखो मैं बैटरी ऑन करके कभी देखे करके बोलो ना, करो करो करिए बैटरी ने स्विच, ये बैटरी आपको कुछ इंडिकेशन मिले, इधर आ जाओ, दिख गया है इसको दिखाएगा, अभी तो बंद है ना, सिर्फ बैटरी से चार्जिंग लेके आया हूँ, इंडिकेशन पैनल को ऑन करके रख दिया है, ये हो गया, बंद करो, इधर आ जाओ, आ जाओ ना, अरे नहीं नहीं आप अंदर आ जाओ, देखना इधर को सब चीज दिखा रहा हूँ, डोर को बंद कर दीजिए, अंदर का तो सब माल देख लिया ना, बंद कर दो, रोशन उधर चला जाओ, उधर चले जाइए, उधर चले जाइए, उधर झुक जाओ, ये दोनों कंट्रोल स्टैंड है एक जैसा ही है, उधर जैसा है वो इधर भी है, ठीक है। एलईडी का इंडिकेशन आप इधर इधर से मुड़ो यार, ये एलईडी का इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है, 8 एलईडी लिखा है ना, 8 एलईडी इंडिकेशन पैनल, सेम पैनल आपके सामने में दिखेगा, देखिए दिख रहा है। अभी क्या करना है, अभी कन्वेंशनल लोगों को कोई एक जन स्टार्ट करो प्रोसीजर से, बैटरी हम सब चेक कर लिए, मान लीजिए चेक कर लिए, अब बैटरी नाइफ मैंने दे दिया, बैटरी नाइफ देने के बाद में क्या करना है, चलो दो आप ही लो, आप देने उनको देने दीजिए, MB1 MB2 MC, उससे पहले एक चीज इंश्योर करो, MPCB का जो मेरा है माइक्रो प्रोसेसर का, वो ऑन है कि नहीं है, नहीं है इसमें देखिए कोई बात, की पावर ऑन है क्या उसमें, ऑफ है, ऑफ है सर, ऑन रहना चाहिए, हमेशा ऑन रहना चाहिए, साउंड आ रहा है आपको, ये आपका गवर्नर भी, ये हो, ये मतलब ये मेरा डिस्प्ले भी ऑन हो गया, इसमें फॉल्ट देख लेना क्या क्या दिखा रहे हैं इसमें, मतलब ये सब दिखा रहा है, आईडिया आईडिया सब दिखा रहा है, करेक्ट पैरामीटर दिखा रहा है, बैटरी का वोल्टेज देख लीजिए कितना है, करेक्ट है ना जी, आरपीएम 067.8, हां हां, एक्सेसिव डिस्चार्ज तो नहीं दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक के लिए, अभी देखो रोशन सामने में इंडिकेशन क्या दिखा रहा है, आइए डीबी इंजन यानी अल्टरनेटर जो हम लोग कार बॉडी फिल्टर का डस्टबिन मोटर देखे ना, मोटर वो ऑन नहीं है, देखिए उसका जलाइए, ऑन करो, ये डीबी ऑन करिए, ये लाइट बंद हो जाएगा, ये देखिए बंद हुआ, पूछो रोशन को, बंद हो गया ना जी, एक दिया कि दो दिया है, दो दिया होगा, एक कार बॉडी का रहेगा और ये किसका रहेगा, इंजन का रहेगा, तो चार टोक है ना, तो इंजन में मेरे जब इसमें कम मेरा पावर एंड में जब मैं करता हूँ अल्टरनेटर रूम का जब भी करूँगा तो वो क्या चीज़ दिखाएगा, मेरा इंजन लिखाएगा डीईबी इंजन, और कार बॉडी जब दिखाएगा तो एक वो कंप्रेसर रूम का जो हम लोग देखे थे वो वाला चालू होगा, आप देख सकते हो साउंड आ रहा है आपको, यस सर चल रहा है, वो चल रहा है, एग्जास्टर ही चल रहा है, चारों एग्जास्टर चालू हो गया, एक को बंद करिए, इंजन को बंद करिए, नहीं गलत कहा, इंजन को बंद नहीं किया, कार बॉडी को बंद किया, हमको ये ये देखिए साउंड बंद हो गया, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि चारों चलता है कि नहीं चलता है, इंश्योर करना है, और ये इंजन तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंजन को चलने के लिए मैं क्यों बोला हूँ, वही साइक्लोनिक फिल्टर से हवा आएगी और वो पूरा उतना मेन जनरेटर में जो गर्मी है उसको कूल करना है ना, उसके अंदर में सक करेगा वो पूरा एग्जॉस्ट होगा वहाँ से, और वहीं पे क्या चीज दे दिया है आपको, रेक्टिफायर का पूरा बैंक दे दिया, यूनिट दे दिया है, रेक्टिफायर को भी तो करना है ना, कूल करके रखना है, उसमें भी ट्रबल है, कोई डायोड फट गया फिर वो काम करने वाला है, वो काम नहीं कर पाएगा, तो वो पूरा बैंक को करना पड़ता करके, इंजन कार बॉडी के लिए आपको इंडिकेशन भी दे, दोनों के लिए देता है, देने के लिए कार बॉडी के लिए भी देता है, इंजन के लिए भी देता है, तो दोनों का एग्जॉस्टर मेरा ऑन होना चाहिए, इसको इसको भी ऑन करना है, ऑन कर दीजिए, ऑन करने के साथ में मैं पैनल में MB1 MB2 MPCP और ये DEB, वो करने की इनिशियल में जरूरत नहीं है, पावर स्टार्ट करना है तो उसको भी बंद कर दीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, MB1 उसको बंद कर दीजिए, हाँ दोनों बंद करिए, इनकी जरूरत नहीं है पावर स्टार्ट करने में, मैं पावर स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितना है करके मजूमदार जी पूछेंगे आपको, जी सर मजुमदार सर जब पूछेंगे क्वेश्चन करेंगे डीजल इंजन स्टार्ट करने के लिए कितना मिनिमम आपको ऑपरेट करना पड़ेगा करके, पीएलपी भी मार दोगे आप, एमसीपी भी मारोगे, पीएलपी भी देख लो, पीएलपी भी है कि नहीं है, प्री लुब्रिकेशन पोस्ट लुब्रिकेशन होना चाहिए, कीप ऑलवेज ऑन, तो फिर मर नहीं जाएंगे, ड्राई रन कर जा लेंगे, अपने पास सिस्टम दे के भी ड्राई रन कर बैठेंगे, करो ऑन उसको सबसे पहले, जब इंजन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले पीएलपी भी ऑन कर देना,
एमपीसीबी माइक्रो माइक्रोप्रोसेसर एमईपी का मेरा डिस्प्ले को ऑन करना है, ये वेकअप हो जाएगा, ये वेकअप होगा। दूसरा है मेरे को प्री लुब्रिकेशन चाहिए, प्री लुब्रिकेशन मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में MB1 MB2 ये हो गया, वो चीज़ हो गया। अब मेरे को फ्यूल पंप का सर्किट ब्रेकर ऑन करना पड़ेगा, करो एफपी कर दिया एफपी, अब स्टार्ट हो जाएगा। मास्टर पहले दबाएंगे तब ना, क्या चीज़ पहले ये मास्टर फ्यूल अच्छा, क्या नाम आपका? राजेंद्र। राजेंद्र बोलता है, एक्सीलेंट पेपर बनाए रहे बाबू, मैं खोज रहा था राजेंद्र कौन है करके फोन करूँ, उसको चलो मिल गया, अच्छी बात, ठीक है, बढ़िया बनाया पेपर, वाइबा भी अच्छा गया आपका। हाँ, ये बोल रहा था अभी हम किए, राजेंद्र का कहना है कि ये मास्टर फ्यूल पंप सर्किट ब्रेकर को देने के बाद में कंट्रोल सर्किट ब्रेकर को भी दूंगा बोलता है, तभी स्टार्ट होगा। अभी हम मास्टर ब्रेकर को देंगे, तू ही नहीं इसमें मास्टर को करिए, मास्टर फ्यूल पंप सर्किट ब्रेकर ऑन करिए उसमें MFPB1 किसी में भी कर सकते हैं, MFPB1 MFPB1 और MFPB2 दोनों कंट्रोल स्टैंड के लिए, MCB1 MCB2 भी तो नहीं है, ठीक है। 30 एम्पीयर का दिया है क्या? 30 एम्पीयर लिखा है, हाँ करो उसको ऑन करिए, ये 30 एम्पीयर का, ठीक है, दो दे दीजिए, करो ना, और दो ठोक और बचा होगा, एक स्पेयर है, तीन है उसमें, तीन है क्या? तीसरा एमसीबी है, एक है जीएफ का और एक एमसीबी है, एक जीएफ होगा वो एकदम अलग में देके रखा होगा, उसके बाद सिर्फ दो दिए हैं, तीन दिया होगा, एक स्पेयर है, एक MFPB है, एक MCB है, MCB2 है, MFPB2 है, DEB लिखा है, DEB उसमें भी दिया है, DEB सी कर दिया, हाँ तो कार बॉडी है वही वाला, हाँ उसको ऑन तो कर दीजिए उसको भी, MCB ऑन करना पड़ेगा, MCB ही तो ऑन करने के लिए बोल रहा हूँ, MCB को मत करिए, MCB को आप कर दीजिए, हम राजेंद्र को झूठ बनाना चाहते हैं ना, वो बोला है ना कि हमको MCB भी ऑन करना पड़ेगा, अब ऑन कर दो स्टार्ट करो। क्या कर रहे हो आप? FPB हो गया ना, वो तो पहले करवा दिया था मैं, मास्टर फ्यूल पंप, हाँ फ्यूल पंप सर्किट देकर को मैं पहले ऑन करवा दिया था, फिर मैं करने के लिए बोला MFPB1 MFPB2 को कर दीजिए, MCB1 MCB2 करने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं बोलता हूँ आप स्टार्ट करके देखिए, पावर स्टार्ट करके देखिए, पावर कैसे स्टार्ट करोगे, क्या चीज सी मत करिए ना, क्रैंक केस में अभी गैस बन गया है? नहीं सर, वेपराइज हुआ है? नहीं सर, थोड़ा भी यूज किया है? नहीं सर, कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ PLPB चल रहा है, थोड़ा सा वो इसमें लुब्रिकेशन लुब्रिकेंट को ले रहा है, और इसेंशियल जितने पार्ट है रबिंग पार्ट जो इनिशियल में स्टार्ट होगा उसमें जाके सप्लाई कर दे रहा है, इतना हो रहा है, इतना में गर्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी बार बार आप लोगों को, मिनिमम चीज़ क्या चीज़ ऑपरेट करना है आपको इंजन स्टार्ट करने के लिए, मजूम दादा था कि यही क्वेश्चन रहेगा, आप बता रहा हूँ मैं आपको, जिस दिन कॉम्पिटेंसी लेने आओगे ना उस दिन बताएगा आपको, वो घुस गया ना क्लास में तो यही पूछेगा कितना ऑपरेट करना पड़ेगा, बोल MB1 MB2 आप ऑन करो ना, आप ECS को क्या करना है, MB1 MB2 हो गया, MPCB MPCB है, ये भले बंद करके रख दिया, बहुत देर ऐसा रह गया करके, लेकिन उसको ऑन करके ही रखना है, हमेशा ऑन रहेगा वो। अब क्या करना है, सिर्फ MB1 MB2 और फ्यूल पंप सर्किट पे तीन आइटम जमा कर बंद करना है, वहाँ पे ऑन करना है, MFPB1 यहाँ कर देना है, MFPB यहाँ कर देना है, GF आप रहने दीजिए, मैं GF को आप कर देता हूँ, GF आप एक साइड आप कर दिया, मैंने आप हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग आप टर्न हो जाओ, उधर देखो ECS को, ECS यहाँ पे, ECS को कहाँ स्टार्ट कर दें, इससे पहले अलार्म देंगे, अलार्म तीन तो वेरी नाइस, आइडल तो रहेगा, जैसे उसमें भी आइसोलेशन में रखते थे तभी स्टार्ट स्टॉप और ये आइसोलेशन, सेम इसमें भी आइडल है, पहले अलार्म दीजिए क्योंकि वहाँ पे कौन हो सकता है, रोशन गुस्सा है, नहीं रोशन किधर है, बच गया लड़का, और ये बचाने के लिए है, इंडियन रूम में कोई अगर चेकिंग कर रहा है उनको अलर्ट करने के लिए, अब ये आपको बेल देते हो, अब स्टार्ट बटन ग्रीन है, स्टॉप बटन रेड है, इतना ही आइटम है, और आइटम देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखो कंपार्टमेंट का लाइट, एक और लाइट देख, एक चीज और देखो जी, यहाँ पे EPG गवर्नर का रहेगा, ये EPG दिख रहा है, ये वाइट मिल गया है, EPG गवर्नर लिखा होगा, देखिए तो सुनो, वहाँ नहीं देगा, एक इंजन में तो एक ही दूंगा ना मैं, कितना EPG, दूसरा पावर होता तो उसमें EPG बंद करना पड़ता, मेरे को इसमें EPG ऑन करना पड़ता है, मैंने EPG ऑन किया है टॉगल स्विच के रूप में, क्लियर है,
चलो आप कर दो स्टार्ट कर दो। ऑन करने से क्या होगा? ये यहाँ से मेरा लोडिंग अनलोडिंग गवर्नर करेगा टोटल दोनों एमयू रहने से। उसका स्विच ईपीजी जो देखे थे हम लोग उसी का स्विच यहाँ डाला स्विच है। ये ऑन करने से ऑन होगा, अदरवाइज वो जो ओनली दिस स्विच सर। आप ऑन लीडिंग लोको कीपैड ऑन। चलो अरे यार ईपीजी गवर्नर स्विच ईसीएस को मैंने आइडल में कर दिया। चलो स्टार्ट करो ना, कौन करना चाहता करो। देखिए क्या दे रहा है आपको, काउंटिंग होगा 620 और उसको दबा के सेकंड का पीएल पे दबा के रखना, छोड़ना मत। 10 मान लीजिए बाई चांस अगर छोड़ दिया तो फिर से करना होगा। छोड़ दो ना, लूज हो गया मान लीजिए हाथ कहीं भी, छोड़ दिया मैसेज करता बॉक्स। इधर देख क्या लिखा है, प्रेस स्टार्ट बटन टू क्रैंक। माइक्रो प्रोसेसर गवर्नर को भी वो बोला है कि जितना चीज़ आपने किया है वो ओके कर दिया, मैं स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ करके बोलता है। ये भी देता है, ये इंडिकेशन आपके पास आना चाहिए। 7 पैरामीटर्स बोला, ल्यूब ऑयल प्रेशर दिखाएगा जब स्टार्ट हो जाएगा, फ्यूल ऑयल प्रेशर, बूस्टर एयर प्रेशर, नॉच बता देगा कितने नॉच में आप पड़े हो, इंजन का RPM बताएगा, फ्यूल रेक का मोमेंट बताएगा, डिस्प्लेसमेंट हम लोग उस दिन जो देखे थे ना लॉक करके वही, और ये LCP है लोड कंट्रोल पोटेंशियोमीटर, यानी एज पर लोड डिमांड आपका कितना फ्यूल रेक मोमेंट होना चाहिए वो चीज़ बताता है। एम्प्टी गाड़ी में भी 8 नाच खोल के जाएगा तो तेल ज़्यादा खर्चा होगा यार, हाँ निश्चित रूप से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन वो एज पर लोड ही देता है, रेक को खोलता है 8 नाच, जितना लोड में खींचना 30 सेंटीमीटर पूरा, यानी 3 सेंटीमीटर पूरा ओपन करना पड़ा ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो थोड़ा 15 mm के आसपास में, 15 सेंटीमीटर के आसपास, 1.5 सेंटीमीटर के आसपास में ही खोलेगा, 15 mm खोलेगा। क्यों खोलेगा 8 नाच के लिए, वो तो भाग जाएगा उतना में, 80-100 तो स्पीड है आपका, 80 स्पीड है ना आपका एनबॉक्स का। yes, उतना से ज़्यादा मैं क्या ले के जाऊँगा, ठीक है। ये हो गया, ये रेडी कर दिया, रेडी करने के बाद आप PLP भी ऑन कर लो। देखो पंपिंग फिर से वो करेगा ही, जितना बार भी आप प्रेस स्टार्ट करोगे उतना बार भी पेन लुब्रिकेशन देगा, और जैसे 60 सेकंड का काउंट दे दिया है, और इसी को स्टॉप करने के बाद कितना देर तक पोस्ट लुब्रिकेशन होता है राजन बताए? 5 मिनट। सही क्वेश्चन दिया, ठीक है 5 मिनट का टाइम। हां इंडिकेशन भी दे दिया, प्री लुब्रिकेशन LPP का इंडिकेशन भी दिया। हाँ, दे दिया। जैसा इंजन स्टार्ट हो जाएगा ऑक्सिलरी जनरेटर फेलियर का जो हमारा इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा। काउंट कितना आया? 20। राजन को गलत हम लोग साबित करना चाह रहे हैं ना? नोट्स में कुछ नोट्स में ऐसे नहीं, तभी तो मजा आ रहा है। चलो 4 सेकंड, 3, 2, 1 PLP भी कौन कंप्लीटेड। अभी इंजन RPM स्टेबल होगा, 400 हो गया। हो गया, सब प्रेशर दिखाना शुरू कर दिया, ल्यूब ऑयल भी मेरा सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया, ल्यूब ऑयल पंप चालू हो गया, फ्यूल ऑयल पंप दिखा दिया 4.8। अभी क्या इंडिकेशन दे रहा है जिसमें बजर बजे? आप चालू हो गया, अब उसको रिक्वायर पड़ रहा है कि क्रैंक गियर का यार चालू तो करो, कर दो ऑन करो, सब बताएगा। CB हो गया, बंद हो गया। इंडिकेशन भी बंद हो गया, वहाँ पे लैंप दे रहा है, और ऑक्सिलरी जनरेटर चल रहा है, ऑक्सिलरी जनरेटर चल रहा है, FGB करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी ऑफ है, तो इधर देखो ऑक्सिलरी जनरेटर फेल, ऑक्सिलरी ऑफ है, ऑन करिए, ठीक है। पावर स्टार्ट करने के लिए मेरे को वो चालू करने का ऑक्सिलरी जनरेटर का सर्किट ब्रेकर भी देने की जरूरत नहीं है, मेरा पावर स्टार्ट हो जाता है मिनिमम सर्किट ब्रेकर से मैंने कर दिया। yes, अब ऑक्सिलरी को सर्किट ब्रेकर को दिया क्योंकि मैं फेल नहीं करना चाहता, जितना देर तक बचा रहेगा उतना ही काम करेगा ना उसमें। yes, उसके बाद बैटरी चार्जिंग भी देना है। yes, यहाँ तो बैटरी कंजम्पशन मैंने स्टार्ट कर दिया था लेकिन चालू नहीं किया था बैटरी चार्जिंग, अब बैटरी चार्जिंग मेरा स्टार्ट हो गया। जब भी आपने चेंज करोगे तो मल्टी यूनिट में कैसे चेंज करेंगे बोले थे, जो लीडिंग पहले था जिसमें हम काम करते आए थे उसी को पहले हम लोग सब ऑफ कर देंगे बोले थे ना, सब सर्किट लेकर ऑफ कर देंगे और चले जाएंगे उधर, वहाँ चले गए लेकिन न्यूमेटिक चेंजेस नहीं करेंगे,
है ना, वहाँ चले गए, इधर भी मेरा MCB1 MFPB1 सब बंद है, इधर भी बंद है, तो TL16 का मेरे को ये इंडिकेशन मिलेगा। TL16 मिसिंग जो आ रहा है ना, ये आएगा तो समझ लेना मैंने कंफर्म आप कर दिया। अब मेरा यहाँ पे मेरा MFPB1 ऑन रह गया करके VCD नहीं लगेगा, ये याद रहेगा, ये बता देगा आपको। तो जैसे आप करोगे ये इंडिकेशन मिलना चाहिए। अब हम लीडिंग लोको में चले जाएंगे, लीडिंग लोको में जाएंगे और अनदर सर्किट पे कट दे देंगे, तो MCB को जाना है, MCB2 दे दीजिए। गाड़ी चलाना है, ऊपर उठा ना, ऊपर उठाते जाओ। यहाँ पे तीनों कौन सब हो गया, तीन है, तीन हो गया। हाँ, एक उसमें स्पेयर है, एक उसका स्पेयर है, एक लुक MFPB2 है, एक लुक MCB2 है, इसमें भी एक लुक स्पेयर है। यहाँ का मार्किंग सब चला गया, इसीलिए रैंडम सभी को ऑन कर दीजिए, जो वो थ्योरी आ गया राजन का थ्योरी, सबको ऑन कर दीजिए। ऑन करो, बोलो MB1 MB2 MB3, चलो 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 चलो, सीधा आता है दबा दो। लेकिन फिर प्रॉपर वे जाओगे तो आपको ट्रबल नहीं आएगा, स्टार्टिंग का ट्रबल नहीं आएगा। ये स्टार्टिंग का ट्रबल आएगा कौन सा, मेरा GR पर ट्रिप हो जाएगा स्टार्टिंग ग्राउंड में, GR2 की GR1 GR2 बोले थे ना कल, GR2 है स्टार्टिंग ग्राउंड में हमें जब होता है, तो GR2 यहाँ पर ट्रिपिंग मिलता है, तो GR पावर ग्राउंड, इनिशियल पावर ग्राउंड एक टुक आया था हाई करंट में, जब ट्रैक्शन में पावर ग्राउंड आएगा GR1 ऑपरेट होगा, GR1 के थ्रू जाएगा, और जब इनिशियल में होगा, स्टार्टिंग में होगा, तो मेरा GR2 से होगा। GR2 उसको खोल दो यार, पैनल को खोल दो। और इसमें DAB अभी बंद ही रहेगा, DAB खोल दो, चालू कर दो ना, क्या क्या है, लाइट वाइट सब चलाओ, और चला भाई बाकी चलाओ लाइट से, गए हम सब सब ऑन कर दीजिए, सब ऑन कर दीजिए, ये लाइट जल गया साहब, फैन चालू हो जाएगा, फैन चालू कर दीजिए। RF LV को रेडिएटर फैन का क्या, हाँ रेडिएटर फैन को रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है मेरा रेडिएटर फैन का, वो मैनुअल वो दिया है, मैनुअल एक दे के रख दिया, इमरजेंसी सर्विस खोलेगा क्या, उधर ही खोलो, उधर से खुलेगा, बोलो आप खोलो, इधर कुछ नहीं, ऊपर उधर ही लॉक हो गया, उधर बाहर निकल जाओ, उधर चले जाओ, पूरा खोल देना, ये सब देख लीजिए, ये सब सेंसर्स दे दिए हैं पूरा, और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड लोको है करके जितने भी रिलेस हैं मिनिमम कर दिया रिले को, ठीक है, ये सब दे के रखा है, जो इमरजेंसी रिलेस है जिनको देना ही पड़ा उनको उनको दिया है, बाकी को सब कन्वर्ट कर दिया है मेरा माइक्रो कंट्रोलर के रूप में, इसीलिए रिले कम हो जाता है, इसमें सेंसर 36 हो जाता है, है ना, तो वो सेंसर का है। अच्छा IP मेरा लगा है ना, IP लगा है, इंजन स्टार्ट करने के समय कन्फर्म करने के लिए बोला था ना, ये दोनों और ऑफ होना चाहिए, दोनों को देखिए काक बंद होना चाहिए, इंडिविजुअल काक है, A9 का S9 का दोनों बंद है, इधर दोनों ऑन होगा, इसमें BC प्रेशर वगैरह बनना शुरू हो गया होगा, देखो उधर देखिए BC प्रेशर बन गया होगा, IV को रिलीज करिए, IV को रिलीज करिए, बंद करिए, छोड़ो, अरे उसमें लॉजिक है यार, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा कर ही नहीं पाऊंगे, अरे आपने BP ड्रॉप कर दिया है, एक्विवेलेंट प्रेशर का जंक्शन ब्रेकिंग होगा,
कंजक्शन ब्रेकिंग होगा तो आपका देखिए तो उसमें 1.8 लगेगा ही। यस सर, लगा 1.8 कंजक्शन ब्रेकिंग है ना। जब A9 से अप्लाई करोगे तो ब्रेक सिलेंडर इसमें भी लगता है। यस सर, W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व खोलो और जाओ भाई, क्विक रिलीज को बहुत खींच रहे थे ना, खींच रहा हूँ ये ब्रेकिंग सिस्टम का नाम है कंजम्पशन ब्रेकिंग। यानी इसका मतलब ये होता है A9 जब हम हैं, A9 वाल्व से जब हम प्रेशर ड्रॉप करेंगे इंजन में भी ब्रेकिंग लगेगा, साथ ही साथ फॉर्मेशन में लगता है। यस सर, मेरा मेन एम रहता है इसका फॉर्मेशन में ब्रेकिंग करने का, लेकिन साथ ही साथ में इन दोनों का बीच में लो स्पीड का डिफर नहीं हो जाए करके इसमें भी इक्विवेलेंट हमको 1.8 प्रेशर तक लेके जाता है मैक्सिमम। यस, किसी भी अमाउंट में ड्रॉप करोगे 1.8 से ज़्यादा नहीं जाएगा। यस, तो इसका भी प्रेशर, इसका भी मेरा लोगों का स्पीड भी कम होगा। yes, उनके चलते yes, मेरा फॉर्मेशन तो कम ही हो रहा है। yes, ये भी कम होगा। yes, तो मेरे को जर्क वगैरह नहीं आएगा, कपलिंग टूटने का डर नहीं रहेगा। yes, बट मेरे को बार बार हाई स्पीड में करूंगा तो हर बार जितना बार मैं चेक करूंगा, जस्ट चेक करूंगा स्पीड, तब भी लगेगा। PVF को दबा दीजिए, LBRS पड़े थे ना, दबाओ पैर वहाँ पे लगा होगा LBRS, दबाओ उसको। ये देखिए पूरा रिलीज कर दिया LBRS, क्या लिखे थे आप लोग? अच्छा, लोको ब्रेक, रिलीज लोको ब्रेक। अब BCD दबाओ, एक कोई चीज को दबाओ BCD, अरे आर्म को दबाओ तभी रिसेट होगा, नहीं BCD दब जाए। इसमें सिर्फ आर्म से होगा, अभी लोको ब्रेक जीरो कर दिए थे, अब जाके लगेगा। अभी आप लोग बोल रहे थे ना 1.8 से, कोई लिखा था BCD वाला केस में 1.8 से या 2.1 से कम हो जाएगा तो BCD मेरा एक्टिव हो जाएगा। यस सर, तो मिनिमम 2.1 होना चाहिए था, BCD नहीं लगेगा, नहीं हर बार BCD आएगा। तो अभी A9 को लगा हुआ है मेरा। यस सर, A9 को रिलीज कर दीजिए, S9 को लगा दीजिए। अच्छा, किसी को डाउट है इसमें वो देखिए जीरो हो जा रहा है, लगा दो, हाँ लगा दो। अच्छा, आप रिलीज कर दो, आप रिलीज कर दो, हाँ रिलीज कर दो। ये देखो दूसरे कंट्रोल स्टेशन लगाता है तो नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, काम बंद करो, काम को खोल दो, काम को खोल दो, ऐसे नहीं का काम खोल दो।